हेलो गाइस, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एमकेएस ब्लॉग्स पर। तो दोस्तों, आज मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली दोस्तों, मेरा जो फ़ोन है वो पीछे से पूरी तरह डैमेज हो चुका है। इसका बैक कैमरा बिल्कुल नहीं चल रहा, इस वजह से हम कहीं जा भी नहीं पा रहे कि वीडियो शूट कर सके। आज काफ़ी दिनों बाद मैंने वीडियो बनाई। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूट्यूब वर्सेस गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब को। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी होती है हमारी मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री सबसे ऊंची पोस्ट होती है गवर्नमेंट जॉब की। तो हम सबसे पहले उनकी जॉब की मतलब उनकी सैलरी देखते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री की सैलरी एक महीने की 2,88,000 है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं, जब हरियाणा के मुख्यमंत्री की 2,88,000 रुपये हैं, वैसे हर स्टेट के मुख्यमंत्री की सैलरी अलग अलग होती है। यूपी की अलग होती है, हरियाणा की अलग होती है, दिल्ली की अलग होती है, हर जगह के स्टेट के मुख्यमंत्री की सैलरी अलग अलग होती है। उसी तरह से दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्राइवेट जॉब की। तो दोस्तों, प्राइवेट जॉब का तो किस्सा हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसमें तो कोई सैलरी होती नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 हज़ार रुपये बस, इससे ऊपर तो आप बढ़ नहीं सकते प्राइवेट जॉब में। तो दोस्तों, अब आप खुद समझदार हैं कि गवर्नमेंट जॉब बेटर रहती है, प्राइवेट जॉब बेटर रहती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर फील्ड में आज के टाइम में बहुत बड़ी मात्रा में कंपटीशन है। चाहे आप जॉब ले लो, गवर्नमेंट जॉब ले लो, प्राइवेट जॉब ले लो, एवरीथिंग कुछ भी ले लो, हर चीज़ में कंपटीशन मिलेगा आपको। और वैसे गवर्नमेंट जॉब में भी गवर्नमेंट जॉब करने के भी काफ़ी सारे फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। वैसे दोस्तों, आज की मतलब आज के कंपटीशन के दौर में गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, बहुत ही मुश्किल होता है गवर्नमेंट जॉब लगना किसी की, क्योंकि सरकार उतनी वैकेंसी नहीं मिल पा दे पाती जितनी लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। एक गवर्नमेंट जॉब के पीछे अगर हम रेशियो में देखें तो एक गवर्नमेंट जॉब के पीछे कम से कम 10 बंदे या 100 बंदे फॉर्म भरते हैं। तो बताइए दोस्तों, इतनी मतलब इतनी वैकेंसी सरकार कहाँ। तो दोस्तों, आइए आज मैं आपको बताता हूँ सरकारी जॉब के फायदे और नुकसान के बारे में। तो दोस्तों, सबसे अच्छी बात होती है इनकी कि इनकी वेतन मतलब सैलरी बिल्कुल टाइम पे आ जाती है। सरकारी जॉब का एक फ़ायदा होता है कि उनकी सैलरी जो है बिल्कुल फिक्स टाइम पे आ जाती है। नंबर टू होता है कि इनकी स्वास्थ्य मतलब ESI बिल्कुल फ्री होती है, वो सब बिल्कुल इनको सरकार प्रोवाइड करवाती है। और दूसरा नंबर तीसरा होता है कि इनको हर मतलब हर फील्ड में इनको छूट मिलती है। सरकारी जॉब का एक सबसे बड़ा फ़ायदा दोस्तों यह भी होता है कि आप जैसे जॉब से रिटायर हो जाते हैं तो इसके बाद भी आपको सरकार पेंशन देती रहती है, आपकी मंथली पेंशन आती रहती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको एक और बेनिफिट मिलता है कि आपको सभी प्रकार की सुविधा मिलती है। एक्स्ट्रा जो भी आउट ऑफ मतलब सभी एक्स्ट्रा जो सुविधा होती है वो सरकारी बंदों को मिलती है। इस वजह से दोस्तों, सरकारी जॉब के ये फायदे होते हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूँ सरकारी जॉब के नुकसान क्या होते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के नुकसान क्या होते हैं। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब का सबसे पहला नुकसान होता है कि प्रत्येक दिन बोरिंग सा फील होता है। हमें प्रत्येक दिन बोरिंग कैसे फील होता है दोस्तों, जैसे हम कंटिन्यू किसी काम को करते हैं तो यार उसमें बोरिंगनेस तो ऑब्वियसली हर काम में आ जाती है। इसीलिए आप इसको गवर्नमेंट जॉब में नहीं सही हर काम में आप इसको ले सकते हैं कि प्रत्येक दिन बोरिंग लगता है। और इसका दूसरा नुकसान होता है कि पोस्टिंग अच्छी जगह पर ना हो पाना। तो दोस्तों, ये तो हमारे हाथ में नहीं होता कि पोस्टिंग हमारी कहाँ पे हो रही है, कैसे हो रही है। तो गवर्नमेंट जॉब का सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि पोस्टिंग वो कहीं पे भी दे देते हैं, हमें उसकी हमारा उसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता। तो पोस्टिंग अच्छी जगह ना होना, बाय चांस कैसी ऐसे एरिया में मिल जाता है जहाँ पे हमारी फैमिली सेफ ना हो, वहाँ पे हमें टेंशन रहती है फैमिली की भी कि यहाँ पे हमारा काम में मन नहीं लगता। और तीसरा कि काम में मन ना लगना, वो इसी वजह से होता है कि हमारी मतलब पोस्टिंग अच्छी जगह पे नहीं होती तो हमारा मन बस फैमिली की तरफ रहता है कि पता नहीं बच्चे घर में सेफ होंगे या नहीं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि प्राइवेट जॉब नहीं गवर्नमेंट जॉब के ये भी नुकसान भी होते हैं, ये नहीं कि इसके फायदे ही फायदे हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको गवर्नमेंट जॉब के बारे में तो बताइए, अब हम कंपेयर करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब वर्सेस यूट्यूब। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बता दिया गवर्नमेंट जॉब के बारे में, अब हम आप बात करते हैं यूट्यूब और गवर्नमेंट जॉब के बारे में।
तो दोस्तों गवर्नमेंट जो यूट्यूब में हमें क्या बेनिफिट होता है, आपको क्या लगता है दोस्तों कि यूट्यूबर की लाइफ कैसी होती है? एक्चुअली दोस्तों यूट्यूबर की लाइफ भी काफ़ी स्ट्रेस भरी होती है। उसको एक वीडियो बनाने के बाद तुरंत उसको अगले दिन की टेंशन हो जाती है कि उसको वो अगले दिन मतलब कैसी वीडियो बनाए, क्या कंटेंट ढूंढे। कंटेंट ढूंढने में उसको टाइम लगता है दोस्तों। अगर कोई यूट्यूबर कहीं घूमने भी जाता है ना, तो उसके मन में हमेशा बस एक ही सवाल रहता है कि वो मतलब क्या वीडियो बनाए, क्या बोले उसमें, कि जो वीडियोस कि मतलब जो वो बोले पब्लिक को अच्छा लगे, उसके व्यूज़ बढ़े, उसके सब्सक्राइबर इंक्रीज करे। उसके मन में बस यही सवाल रहता है, यही मतलब यही चलता रहता है कि वो क्या वीडियो बनाए। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके एक टाइम पे वीडियो वायरल भी हो जाती है, सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, तो हाँ हम ये कह सकते हैं कि यूट्यूब आपके पास फिर पैसे की कमी कभी नहीं होने देगा, क्योंकि यूट्यूब से पैसा बहुत है जब आपका सब्सक्राइबर बेस बहुत तगड़ा हो जाता है। जब आप मतलब सब्सक्राइबर बेस बहुत अच्छा हो जाता है आपके, तो यूट्यूब आपको पैसों की कमी कभी महसूस नहीं होने देगा, बट उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि यूट्यूब से इंसान कितना कमा लेता होगा, मतलब यूट्यूब से इंसान की क्या सैलरी होती होगी? तो दोस्तों इस लड़के को आप देख सकते हैं, इसका नाम उमेर है, उम्र इसकी 16 साल है। इसकी महीने की सैलरी अगर मैं बताऊं तो यूट्यूब से 4 लाख रुपए महीना कमाता है। बहुत से यूट्यूबर होते हैं आपने देखा होगा कि रोज़ वीडियो बनाते हैं, तो उनका सोचिए दोस्तों कि कैसे मतलब कैसे वो करते होंगे। दोस्तों यूट्यूबर की सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है कि वो फ्री माइंड कहीं घूम नहीं सकता, मतलब उसके दिमाग में ये चलता ही रहता है कि वो क्या बनाए, क्या ऐसा करे कि पब्लिक को पसंद आए, कैसे उसके सब्सक्राइबर इंक्रीज हो, कैसे उसके व्यूज़ इंक्रीज हो। बस उसके मन में यही सब चलता रहता है कि वो आखिर क्या ऐसा करे जो पब्लिक को। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ मिलते रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।